आज की वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए है जिनको वेजिटेबल बिल्कुल पसंद नहीं है। शिमला मिर्च वगैरह जो बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, गाजर या फिर बंद गोभी है, आप उनको इस तरह से खिला सकते हैं। कटलेट्स बना के चिकन, उनको चिकन बस नज़र आता है कि इसमें चिकन है तो वो इजीली खा लेते हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखें जी, ये जो नए आलू होते हैं ना, इनका छिलका उतारना ज़रा मुश्किल होता है। इसको ना हम ये स्टील की कुची ले लेंगे और इस तरह से इनका सारा छिलका जो है वो हम रिमूव कर लेंगे इजीली। इस तरह से ये देखें, सारे आलू हम इसी तरह से साफ कर लेंगे। कितना इजी तरीका छिलका उतारने का। चाहे आपने सालन बनाना हो, चाहे आपने आलू बॉईल करने हो, इसी तरह से ये देखें सारा छिलका जो है हम इनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी, यहाँ पे आज बन रहे बहुत ही मज़े के चिकन पोटैटो कटलेट्स, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। मैं उनकी पहले एक रेसिपी बना चुकी हूँ घर के लिए, बच्चों के लिए, तो वो बड़े ही मज़े के बने थे। मैंने सोचा आज इसकी जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। एक्चुअली ये बनाती आप ही हैं, आप ही के घर मैंने खाए थे और बहुत मुझे ना मज़े के लगे थे। तो उसके लिए मैंने आलू ले लिए 1.5 किलो, वो बॉयल हो रहे हैं, जिनका तरीका मैंने आपको बता दिया कि आलू जो नए आलू होते हैं उनका छिलका इजीली किस तरह से उतारा जाता है। आलूओं को मैंने अच्छी तरह से छिलका उतारने के बाद धो लिया, धोने के बाद उनको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। 1.5 किलो आलू थे, क्योंकि आज मैं ढेर सारे कटलेट्स बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत मज़ा आया था खाने का। उसके लिए मुझे चाहिए पुदीना, थोड़ा सा पुदीना, ये वैसे ही मैंने पुदीने की गुठी पूरी रख दी थी, और इसमें से चंद पत्ते हम लेंगे पुदीने के, और ये धनिया हम सारा डालेंगे, ये भी साफ़ करने वाला है। इसी तरह ही मैंने सारा रख दिया। एक लिया गाजर, और अगर शिमला मिर्च छोटी है तो एक ले लें, बड़ी है तो हाफ ले लें। और एक चाहिए हमें प्याज, शिमला मिर्च बड़ी थी इसके अंदर से ये छोटा सा एक फूल भी शिमला मिर्च का निकला, मैंने वो भी रख लिया है। ये 3 हरी प्याज हैं। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा था कि ये हरी प्याज कहाँ से मिलती है, ये सब्ज़ी वाले से ही मिलती है, और इसको हरा प्याज कहते हैं। ये सब्ज़ी वाले के पास इजीली मिल जाता है, आजकल तो इसका मौसम है, ये हर सब्ज़ी वाले के पास होता है, इसको बोलते हैं हरा प्याज। और एक हमें चाहिए लेमन, लेमन ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हम यूज़ एक करेंगे। इसके साथ पत्ते थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ऐसे रख दिए हैं। और ये हमें चाहिए हरी मिर्चें, 3 अदद हमने हरी मिर्चें ले ली हैं। चिकन है तकरीबन 1 पाव बोनलेस चिकन है, और सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून डालेंगे हम नमक, 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। बाकी जो नमक है वो हम बाद में यूज कर लेंगे, इसको अभी हम चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं इसलिए हम थोड़ा सा ही नमक इसमें ऐड करेंगे। और इसमें डालेंगे दादर मिर्च 1 टीस्पून, ये देखिए दादर मिर्च है, इसमें पानी डाल देता उसका, तुम्हारे रोले नहीं खत्म होते हैं। मैं इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी, 10-15 मिनट हम इसको इस तरह छोड़ देंगे, और 1 गिलास लेंगे पानी, और उसमें हमने ये चिकन बॉईल करना, मैं साथ साथ आपको दिखाती भी जाऊंगी। प्याज धो लेते हैं, मिर्चें, गाजर, इन चीज़ों को हम करेंगे चॉप। अगर आप बारीक कटिंग करना चाहते हैं तो इनकी ना बारीक कटिंग कर लें। हरी प्याज के अलावा हरी मिर्च, प्याज, ये वाला प्याज और गाजर, शिमला मिर्च को हम कर लेंगे चॉप।
बाकी धनिया और इनकी कर लेंगे ब्रीक कटिंग, क्योंकि ये बच्चों को, आपको पता है बच्चों के जब इस तरह बाइट में आए तो बच्चे ना इतना अच्छा इसकी इतना पसंद नहीं करते, तो इसलिए फिर मैंने ना उस दिन चॉप कर दी थी। चॉप करना चाहते हैं तो चॉप कर ले, वरना इसको कश कर लें आप ना गाजर को, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। ये देखें जी, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, हरी मिर्च, सारी चीज़ों को डाल दिया चॉपर के अंदर। अब हम इनको कर लेंगे चॉप। देखें जी, मैंने एक गिलास पानी डाल लिया। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन जो हमने मैरिनेट किया था। बॉल को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं और ये हमने डाल दिया। आलू बॉयल हो रहे हैं, साथ चिकन बॉयल हो रहा। आलू हम चेक कर लेते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए 1 टेबल स्पून, चाइना सॉल्ट चाहिए, अगर है तो डाल लें वरना चिकन क्यूब की जो टिक्की है या पाउडर है वो डाल लें। कुटी हुई हमें चाहिए काली मिर्च 1.5 टेबल स्पून, 1 टीस्पून चाहिए चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चाहिए हमें लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हमें चाहिए चाट मसाला हमें चाहिए, और ये हमें सारी चीज़ें चाहिए। धनिया की कटिंग कर ली, पुदीने की कटिंग हो गई, हरा प्याज, लेमन की भी कटिंग करेंगे, और ये सारी चीज़ें चॉप कर ली। इसमें गोभी भी डालनी थी लेकिन फिर वो मैं भूल गई, और मैंने जो थोड़ी सी वैसे ही कटिंग कर ली, ज़्यादा नहीं की। अगर आप साथ ही चॉप कर लें तो तकरीबन 1/2 कप के बराबर आप इसमें बंद गोभी भी डाल लें। यहाँ पे जो चिकन है वो भी हमारा गल भी गया, बॉईल हो गया। इसमें 1/2 कप के बराबर जो हम इसका जूस है, एंड पे यखनी है, जूस कह लें यखनी कह लें जो भी है, वो हमें चाहिए 1/2 कप। ये देखें चिकन के हम कर लेते हैं पीस, और 3 से 4 टेबलस्पून हमें चाहिए ऑयल। ये देखें ये कढ़ाई में हमने डाल लिया ऑयल, और इसमें डालेंगे अब लहसुन अदरक का पेस्ट। श्रेड कर लेते हैं चिकन। प्याज जो है वो हो गए ब्राउन, इसमें अब हम डाल देंगे जो चीज़ें हमने वेजिटेबल चॉप की थी। इनका छिलका पहले रिमूव करना है, नहीं फ्रीज वाले नहीं चाहिए। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका जो पानी है इसमें वो खुश्क हो जाए। साथ ही इसमें डाल देते हैं मसाले, फिर से कर लेते हैं मिक्स। हाफ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम है इसमें डालेंगे जीरा, जीरा पाउडर है तो जीरा पाउडर डाल लें, वरना साबुत जीरा डाल लें, वो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। प्याज को हम धोने के लिए बस इस तरह से इसको मिक्स करेंगे, इसको ज़्यादा पकाना नहीं हमने। हाँ जी आलू ले आए, इधर अब हम इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। बस इसको हमने वही देगची ले ली जिसमें हमने आलू बॉईल किए थे, साथ इसमें डाल देंगे अब चिकन। चिकन हमने श्रेड कर लिया था, साथ ही हम इसमें ये डाल देंगे मसाला जो हमने रेडी किया था, और जो चिकन हमने बॉईल किया था ये यखनी भी हम साथ डाल देंगे इस तरह से। अब हम इनको कर लेते हैं सारी चीज़ों को मैश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से सारा अब हम इनका
मैश कर लेते हैं इनको इस तरह से, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हाँ जी, ये देखिए जी सारे मैश हो गए हैं अच्छी तरह से, अमेजन जो है वो रेडी हो गया। अब हम इसे 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखें जी, ये मैंने कटलेस की शेप दे ली है, आपको जो भी शेप पसंद है ना, आप वो वाली शेप राउंड में जैसे भी आपको पसंद है ना, आप वो शेप में बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने 6 ही बनाए हैं। साथ मैंने लिए ये ब्रेड क्रम्स, साथ लिए हैं लिया है अंडा, अच्छी तरह से फेंक लिए। इसी तरह से सेम सब कटलेट्स हम रेडी कर लेंगे, चाहे तो आप इस तरह से रखते जाएं या फिर फौरन ऑयल में डालते जाएं। ये देखें इस तरह से फिर हम उसके कर लेंगे साइड चेंज। हल्की आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे। इस तरह से मज़ेदार से चिकन एंड आलू के कटलेट्स हमारे हो गए हैं रेडी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।